जी जनाब, लाहौर ने पहली बार ट्रॉफी उठाई और क्या ट्रॉफी उठाई। 42 रन से जीत हासिल की और उस टीम के अगेंस्ट जीत हासिल की जिसने शायद ये सीखा ही नहीं था कि अगर वो मुश्किल में पड़ेंगे तो उस मुश्किल से निकलेंगे कैसे, बिकॉज वो तो रेगुलरिटी में जीतते हुए आ रहे थे। जीतने की ऐसी आदत हुई हुई थी मुल्तान सुल्तान को कि वो कमबैक करने की एबिलिटी, जिस तरह कल मैंने अदीलिया ही बात की थी कि जिस टीम के पास कमबैक करने की एबिलिटी होती है। नाउ लुक एट लाहौर कलंदर्स, कि लाहौर जो है वो 25-3 से यहाँ तक पहुँची। मोहम्मद हफीज़ पूरे PSL में नहीं चले, मगर कल व्हेन इट वाज दी मोस्ट रिक्वायर्ड इनिंग, मोहम्मद हफीज़ ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया, उस डोमिन इफेक्ट को ब्रेक लगाया और जिस तरह उन्होंने उसको रोका और मोमेंटम का शिफ्ट अपनी तरफ लेकर आए। एंड देन फिर जो हैरी ब्रूक्स और डेविड वीजे ने किया, यानी सीधा PSL की चैंपियनशिप का वीज़ा लगवाया। एब्सोल्युटली। और हफीज़ का जो परफॉर्मेंस कल जब मैं देख रहा था तो आई वॉज थिंकिंग के आप किसी भी शो में कहीं भी कोई भी एनालिस्ट बैठा हुआ उससे ये सवाल अगर ज़रा पूछ के आप जुर्रत तो करते कि क्या हफीज़ को ड्रॉप किया जा सकता है इस मैच के लिए, वो आपको ये बोलेगा कि नहीं, आप उसको सिर्फ उसके एक्सपीरियंस पे खिलाएं। और वाकई ये बात हुई है, मैन ऑफ द मैच इतने हाई प्रेशर मैच के फाइनल में। और एक चीज़ जो बड़ी मुमासलत होती जा रही है PSL के फाइनल्स में, बल्कि अक्सर ऐसा होता है सवेरा के जो बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल होते हैं दे ऑफन टेंड टू बी वेरी वन साइडेड। यस, 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज अ सीरियस एक्सेप्शन, लेकिन अगर आप उसके अलावा देखें और उसकी सिंपल रीजन ये होती है कि एक टीम होती है जो कि प्रेशर अपने ऊपर ले लेती है और एक टीम जो है वो प्रेशर रिलीज कर देती है। लाहौर वॉज लाइक दैट यस्टरडे। उन्होंने जो आखिर के 3-4 ओवर्स में जिस तरह पिटाई लगाई है, धुनाई लगाई है मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स की, उसी मोमेंटम को वो अपनी बैटिंग में, अपनी बॉलिंग में लेकर चले और जिस तरह उन्होंने मुल्तान सुल्तान को काउंटर किया, एंड आई थिंक ऐसा लग रहा था कि उनके हर, जिसे कहते हैं ना कि उनके हर दाव का जवाब जो है वो लाहौर के पास था।